आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया नजर न्यूज, तेज नजर पूरी खबर। सिकंदराबाद, दिन दहाड़े पुलिस की इनामी कुख्यात गोकश से मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से 25,000 का इनामी मुस्तकीम उर्फ सलीम घायल। अपने साथी के साथ बाइक पर सवार होकर किसी वारदात को अंजाम देने निकला था इनामी। आरोपी का साथी मौके का फायदा उठाकर मुठभेड़ के दौरान हुआ फरार। घायल बदमाश को अस्पताल में कराया गया भर्ती। फरार बदमाश की तलाश जारी। सियाना और सिकंदराबाद से कई आपराधिक मामलों में वांछित था पकड़ा गया इनामी। पकड़े गए इनामी पर 1.5 दर्जन से अधिक आपराधिक मामले बताए जा रहे हैं दर्ज। सिकंदराबाद पुलिस की सतपुरा नहर पर हुई मुठभेड़, बुलंदशहर से इकराम खान की रिपोर्ट, चीफ एडिटर इंतजार। सर, सिकंदराबाद पुलिस की बदमाश से मुठभेड़ हुई है सर, क्या पूरा मामला? हाँ, एक 25,000 का इनामी मुस्तकीम उर्फ सलीम उर्फ शौकीन था, जो हापुड़ धौलाना थाना हापुड़ का रहने वाला था। उसके साथ मुठभेड़ हुई है, जिसके पैर में गोली लगी है। घटनाक्रम ये था कि आज सिकंदराबाद पुलिस चेकिंग कर रही थी, चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। उनको रोकने का प्रयास किया गया, वो भागे संतपुरा नहर की तरफ, पुलिस ने पीछा किया और पुलिस के पीछा करने पर उनकी मोटरसाइकिल फिसल गई और उनके द्वारा जवाबी फायरिंग पुलिस के ऊपर की गई। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, उसमें एक जो मुस्तकीम था उसके पैर में गोली लगी है, दूसरा जो आदमी था वो भाग गया है, उसकी तलाश कराई जा रही है। मुस्तकीम को अस्पताल जिला अस्पताल भिजवाया गया है और अन्य वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है।